मैं हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ परमेंद्र, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी यार सुबह का टाइम है तो मैं जा रहा हूँ डाइट के लिए, और आज का जो ब्लॉग होने वाला है स्पेशली मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो कन्फ्यूजन में है कि यार डीएलएड करें या ना करें, क्योंकि आपको पता होगा उत्तराखंड में डीएलएड के फॉर्म आ रखे हैं और काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं कि डीएलएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है यार, अगर आप लोगों की कहीं ज्वाइनिंग होने वाली है या आपकी जॉब लग गई है तो आप डीएलएड का पेपर स्किप कर सकते हैं, इसका फॉर्म स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कहीं जॉब नहीं लगी है और आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो डीएलएड का एग्जाम देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड की सिचुएशन क्या है। उत्तराखंड में एग्जाम होने के बाद जब फाइनल मेरिट आती है उसके बाद भी पेपर क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना तो यह है कि आप लोगों को डीएलएड का एग्जाम दे देना चाहिए। इसके अलावा एक दो लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि सरकार डाइट डीएलएड के बारे में क्या सोच रही है, इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। तो यार मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, इस बारे में मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है। यार हमारे बैच में और जो हमारा जूनियर बैच है उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका वीडियो या कनिष्ठ सहायक का एग्जाम निकला हुआ था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो यार इसलिए मेरा मानना तो ये है कि आपको डीएलएड का कम से कम एग्जाम तो दे देना चाहिए। अगर आप एग्जाम निकालते हैं तो उसके बाद आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होता है सोचने के लिए कि आपको डीएलएड करना है या नहीं करना है। कुछ लोग हमारे साथ कुमाऊं से हैं, वहाँ पर होली काफ़ी अच्छे तरीके से मनाई जाती है, तो एकादशी के दिन यहाँ पर भी हमने होली की शुरुआत कर दी है चंपावतौलों की अगुवाई में। तो चलिए कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं पहुंच चुका हूं डाइट के कैंपस के अंदर। डीएलएड के सिलेबस और स्ट्रेटजी से रिलेटेड एक वीडियो मैं शाम को या कल सुबह तक अपलोड करूंगा, उसमें मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि आपको कहां से क्या पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आप चैनल पर बने रहना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।